कि अभी यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, अभी नया ही बना है, साल डेढ़ साल हुए हैं उसको। और उसकी ये कंडीशन हो चुकी है कि अभी एक ट्रेलर जो सूखा पानी का टैंकर था वो नीचे धस गया उसके अंदर। और इससे एक साल पहले जब ये निर्माण हो रहा था तो मैंने ठेकेदार को बोला था कि भाई ये कंडीशन ख़राब है, इसकी माल मीटर गलत है। तो ठेकेदार ने रातों रात ही इसका निर्माण कर दिया और मेरी अनसुनाई कर दी और इसके अंदर तीनों पार्षद भी नहीं सुने। हमारे तीन पार्षद है, राधेश्याम वैष्णव और एक भरत भूषण, और जिसमें अपने हिम्मत सिंह तो अभी अपने पास है, उनकी अपन गलत नहीं कह सकते। लेकिन ये दोनों पार्षद जो बिल्कुल सरेआम खा रहे हैं रिश्वत, और इनको कोई मतलब नहीं है हमारे सांसरवासियों से, कि चाहे कुछ भी मरे। यहाँ 210 गांवों की जो इधर से बसें जाती है हमेशा, हरमाड़ा, बोजास, बड़ौदा, बुआरू, ये हमारा मार्ग है और इस मार्ग की कोई शुद्ध नहीं है। तो इसलिए मैं आप नगर परिषद को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों को न तो ठेका दें और इनका तुरंत कार्रवाई करके इनकी जो जो लाइसेंस है इनको रद्द किया जाए और हमारी इससे सुरक्षा हो सके और इसको बढ़िया निर्माण कराया जाए रोड का। और बस विधायक साहब आने के बाद में विधायक साहब ने कहा था कि भाई जो भी आपका ये एक तो वापस रिपेयरिंग करवा देंगे और जो बेचारे इस लोकल आदमी की लगी है इसका हम अर्जाना दरवाएंगे ठेकेदार से। और तुरंत उन्होंने आदेश कर दिया कि भाई इसका रिजेक्ट करो, इसका तुरंत लाइसेंस और ठेकेदार के तुरंत खिलाफ एक्शन करो, रिपोर्ट दर्ज कराओ। मेरा नाम किशन लाल गुजर है साहब। बिल्कुल लगातार शिकायतें हैं, काम की गुणवत्ता नहीं है कहीं पे भी। मुझे नहीं लगता कि काम को गुणवत्तापूर्ण किया गया है। ये सड़कों के हाल देखते हैं तो इतना लगता है कि अभी अभी पैचेस निकाले थे, उससे पहले सड़कें बनी थी लेकिन उसके बाद जो सड़कें टूट रही है इससे हालात बयान कर रहे हैं कि ठेकेदार किस तरह से काम कर रहा है और प्रशासन उसकी किस तरह से कंप्लीशन रिपोर्ट दे रहा है मुझे नहीं पता। पर इसके साथ मैं आज ही अभी जो अधिकारी आए हैं नगर परिषद से, मैंने उनको बोल दिया है कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ पहले तो मुकदमा दर्ज कराया जाए और जो इसकी एसडी है, गारंटी पीरियड की जो एसडी है, वो जब्त कर ली जाए और इसको तुरंत ठीक कराएं एक बार। पर आज कल में मैं बैठक लेके और इस तरह के कामों पर पूरा फोकस करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी शिकायतें मुझे आपके चैनल के माध्यम से, मैं किशनगढ़ की जनता को भी कहना चाहूँगा कि काम जब भी नगर परिषद करें उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। अगर कहीं गुणवत्ता नहीं हो रही है तो मुझे फ़ोन करें, मैं खुद मौके पे आऊँगा, मैं खुद देखूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक बार जनता का पैसा लगे और वो काम आए जनता के। बार बार पैसा लगता है, वो जनता का पैसा का उपयोग भी नहीं होता है और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ काम भी पूरे नहीं होते। कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी ऐसे काम नहीं हो और इसकी जाँच, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं ठेकेदार के ख़िलाफ़ और उसके एसडी जब्त करवा रहे हैं। शहर की सड़कें की भी हालत अगर बिल्कुल, मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, एक बार बारिश रुक जाए, क्योंकि बीच में दो दिन बारिश वापस हो गई तो ऐसा डर लग रहा है कि मैंने अभी ठीक कराई रोडें और वापस बारिश आ गई तो वो पैसा बेकार हो जाएगा। चार पांच दिन शहर के लोग और परेशान हो लेंगे। पर स्थाई काम कराने की मेरी इच्छा है कि मैं इसको स्थाई तरीके से काम कराऊँ। एक बार पैचेस करा के मेरा मन है मैं परासिया से लेकर चिड़िया बावड़ी तक की एक बहुत मजबूत सड़क बनाऊँ अच्छे डिवाइडर के साथ, ताकि इस शहर का यातायात अच्छे से चल सके।